सो हाय गाइस, इज आकाश वंस अगेन कमिंग विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टॉपिक्स बहुत सारे आईपीएम के इंटरेस्टिंग ही आते हैं सुपरग्राज के चैनल पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कम्युनिकेशन आपके साथ होते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जल्दी अपडेट्स आते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर आपको वो करना चाहिए। एंड आंसर्स और क्वेश्चंस बहुत सारे आईपीएम के जो आपको पता है और आपको जो नहीं पता है, वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी आईपीएम कम्युनिटी पे। तो फॉर श्योर जाइए, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए एंड ज्वाइन करिए। सो गाइज, आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट आईएम रांची। स्पेसिफिकली इस कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे, इन डेप्थ डिटेल्स हम देखेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिक चीजें होती हैं, कितना सीईटी इनटेक है, कितना प्लेसमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ही हम अगर देखें यहाँ पे कि एंट्रेंस कौन से एग्जामिनेशन से होता है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आईपी मैट इंदौर। दूसरी चीज, कौन सा प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है, दैट इज अगेन आईपीएम, जहां पे आपको मिलता है बीबीए प्लस एमबीए विच इज 5 years ऑफ टोटल कोर्स। सीट इनटेक इज 120 एंड मार्किंग स्कीम की अगर बात करूं तो यहाँ पे +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर योर रॉन्ग आंसर। तो अब एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक और चीज है कि आपको पहली चीज ये है, सबसे पहला प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट एप्लीकेंट्स के लिए नहीं होती। और कितना स्पेसिफिक मार्क्स आपको चाहिए, दैट इज 60% इन योर 10th एंड 12th। अगर आप कोई कैटेगरी में अगर यहां देखें, अगर आप आते हैं तो आपको ओनली 55% ही लगेगा, एज इन इफ यू आर इन टू एनी स्पेसिफिक ऑफ द कैटेगरीज। नेक्स्ट, कमिंग टू द पेपर पैटर्न, ये आपको पता होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न आता कैसा है। इट इज सिमिलर टू आईपी मैट इंदौर, वैसा ही पेपर हो पैटर्न होता है, जहां पे सेक्शन 1 इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सेक्शन 2 यहां पे आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू, एंड द थर्ड वन इज वर्बल एबिलिटी। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे स्पेसिफिकली फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स। कितना टाइम लिमिट यहां पे दिया रहता है, विच इज 40 मिनट, 40 मिनट का आपको टाइम यहां पे मिलता है। अगर QA MCQ की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड स्पेसिफिकली 40 मिनट्स अगेन यहां पर आपको दिया जाता है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो 45 क्वेश्चंस विद 40 मिनट्स ऑफ टाइम जहां पे आपको मिलेगा। वेटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए, पेपर अगर खत्म हो गया है स्पेसिफिकली, फिर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे पीआई राउंड होगा या नहीं होगा। हो रहा है पीआई राउंड, यहाँ पे 30% स्कोर पीआई राउंड का आपका लिया जाता है। ATS एडमिशन टेस्ट स्कोर इज 50%, 50% जो आपने बेसिकली पेपर दिया था उसका, 30% आपके PI स्कोर का। एकेडमिक प्रोफाइल आपकी देखी जाती है, जहां पे 20% लिया जाएगा। एंड जेंडर डाइवर्सिटी बोनस मार्क्स अगेन, सो यहां पे आपको 5% स्पेसिफिकली जेंडर डाइवर्सिटी का मिलता है। सो लास्टली अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखी, विच इज प्लेसमेंट। हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना एंड में पैकेज मिला, कितना बड़ा पैकेज लगा। तो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की अगर हम बात करें तो 67.01 LPA काफी अच्छा गया है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो 35.5 LPA, एवरेज पैकेज 17.3 LPA एंड मीडियम पैकेज की बात करें तो 16.5 LPA। तो गाइस, स्पेसिफिकली ये था आईएम रांची के बारे में इनडेप्थ डिटेल। कुछ स्पेसिफिक चीजें अगर छूट गई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या क्या चीजें हैं जो हम और ला सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कौन सी चीजें रह गई थी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉर श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ये भी लिखें कि कौन कौन सी और स्पेसिफिक वीडियोज हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।